दोस्तों, अब अप्रैल खत्म होने को है और अभी तक 2019 में बहुत सारे न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुए। आज हम जानेंगे 2019 में रिलीज हुए टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में जिसके प्राइस 25,000 के अंदर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरा मजेदार वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सम्यक, आप देख रहे हो टेकफिन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक 2019 में बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए, उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत अच्छे। तो चलिए जानते हैं इनमें से टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 5 में जो आता है वो है सैमसंग का M30, जो कि लॉन्च हुआ था फरवरी के एंड में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंचेस के FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 16MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा। और जो प्रोसेसर मिलेगा वो होगा एक्सिनस का 7904 का प्रोसेसर और इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी। और इसका जो वेरिएंट आता है वो है 4GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी का, जिसका प्राइस करीबन 14,990 रुपए है। और जो चौथे नंबर पर आता है वो है Redmi का Y3, जो कि अभी अभी 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, जिसमें आप पाएंगे 6.26 इंच के HD प्लस नश डिस्प्ले विद गरिला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन, जिसमें आप पाएंगे 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 632 का प्रोसेसर और 12MP प्लस 2MP का रियर कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा, और आपको इसमें 4000mAh की बैटरी भी मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो आता है दो वेरिएंट में। जो पहला वाला वेरिएंट है वो आता है 3GB RAM विद 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है करीबन 9,999 रुपए में, और दूसरा वेरिएंट है 4GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है 11,999 रुपए में। और थर्ड पोजीशन में आता है सैमसंग के A50। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था मार्च के फर्स्ट वीक में, जिसमें आप पाएंगे 6.4 इंचेस के FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एक्सिनस 9610 का प्रोसेसर और रियर में 25MP प्लस 5MP प्लस 8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और फ्रंट में भी पाएंगे 25MP का फ्रंट कैमरा और 4000mAh की बैटरी। ये फोन आता है एक वेरिएंट के साथ, जो है 6GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी का, जो आता है 22,990 रुपए में। और जो सेकंड पोजीशन में आता है वो है Realme 3 Pro, जो कि अभी अभी 22 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, जिसमें आप पाएंगे 6.3 इंचेस के FHD प्लस डिस्प्ले और कैमरा में आपको मिलेगा 16MP प्लस 5MP का डुअल कैमरा सपोर्ट और 25MP का फ्रंट कैमरा सपोर्ट। और जो प्रोसेसर है वो है 2.2 GHz का Qualcomm Snapdragon 710 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जिसके चलते आप फोर्टनाइट जैसे हाई डेफिनेशन गेम को बड़े ही आराम से खेल सकते हैं, और इसमें मिलेगा आपको 4045mAh की बैटरी विद वूक चार्जिंग 3.0 सपोर्ट। और इसका जो प्राइस है वो है दो वेरिएंट में। पहला वाला आता है 4GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है 13,999 रुपए में, और दूसरा वाला है 6GB RAM विद 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है 16,999 रुपए में। तो अब बात करते हैं उस स्मार्टफोन के बारे में जो आता है फर्स्ट पोजीशन में, जो कि है Redmi Note 7 Pro, जो कि लॉन्च हुआ था 28 फरवरी को, जिसमें आप पाएंगे 6.3 इंचेस के FHD प्लस डिस्प्ले विद कर्निंग गरिला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन, और प्रोसेसर जो है वो मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 675 के AI प्रोसेसर, और कैमरा में भी आप पाएंगे रियर में 48MP का कैमरा विद सोनी IMX586 सेंसर और एक 5MP का कैमरा फॉर डेप्थ सेंसिंग, और फ्रंट में भी आप पाएंगे 13MP का फ्रंट कैमरा। उसमें आप पाएंगे 4000mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0 को, और इसमें आपको मिलेगा ग्लास बॉडी विद डुअल साइडेड कर्निंग गरिला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन। और Redmi Note 7 Pro आता है दो प्राइस वेरिएंट के साथ, जिसमें पहला वाला आता है 4GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है 13,999 रुपए में, और दूसरा वाला आता है 6GB RAM विद 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो आता है 16,999 रुपए में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये था रैंकिंग सबसे अच्छे स्मार्टफोन का। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये स्मार्टफोन थोड़ा ऊपर रहना चाहिए और ये स्मार्टफोन थोड़ा नीचे, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।